हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस बात करते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन की मूवी द गोट लाइफ की। हालांकि गाइस मूवी मैंने कल देख ली थी लेकिन रिव्यू नहीं दे पाया, थोड़ा बिजी चल रहा था और मूवी भी टाइम से नहीं देख पाया था। हालांकि दो तीन दिन हो गए हैं इसको थिएटर में रिलीज हुए, लेकिन गाइस जब मैंने मूवी देखी तो एक अलग ही टाइप की फीलिंग मेरे अंदर जगी जो मेरे को दो दिन से सोने भी नहीं दे रही थी। गाइस तब जाके आज मैंने यहाँ पर ट्रेलर ये मूवी का रिव्यू करने के लिए डिसाइड कर पाया, क्योंकि ये मूवी आप देखने के बाद में आपके अंदर जितनी भी फीलिंग्स है, जो भी आपके अंदर दयालुपन, जो भी भावनाएं आपके अंदर आती है, जो माँ बाप का प्यार, या फिर जो आप अगर अकेले हो जाते हो, अगर आप उस करेक्टर की जगह पर अपने आप को रखते हो और आपके साथ ऐसी घटना अगर घटित होती है, वो सारे उस टाइप के फीलिंग्स आपको मन में उभर कर आने लग जाते हैं। गाइज ये मूवी अगर आपने देख ली है तो दो दिन तक आप सो नहीं पाओगे, और गाइज आप अपनी जिंदगी के बारे में एक असली सच भी आपको लगेगा कि यार हम जो जिंदगी जी रहे हैं बहुत ही बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी भी जिंदगी हो सकती है अगर मेरे साथ अकेलेपन में कहीं रेगिस्तान में मेरे को डाल दिया जाए, जहां ना पानी है, जहां ना कोई लोग है, ना कोई आपकी भाषा जानता है, ना आप किसी से बातचीत कर सकते हो, और आपको ये भी पता नहीं है कि आप यहां से कब छूटने वाले और कब अपने घर जा पाओगे या नहीं पाओगे, या फिर यहीं रेत में मर जाओगे। सारी चीजें ऐसी ऐसी है जो आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपको शरीर को कंपा के रख देगी, हिला के रख देगी। थिएटर में जिसमें गया था हाउसफुल था और सारे लोग ऐसे सहम के देख रहे थे, डर गए थे लोग कि भाई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है किसी आदमी की, जहां पे पृथ्वीराज सुकुमारन की जो एक्टिंग थी उसने अपने आप के सिनेमा को लाइव कर दिया, भाई जीवंत कर दिया, जैसे कि कोई जिंदगी असली जिंदगी में कोई ऐसा फेज कोई बंदा काट रहा है। भाई थिएटर ये ऐसा लगा ही नहीं कोई फिल्म चल रही है, हम किसी की जीवनी हम देख रहे हैं, उस टाइप का इन्होंने रोल करके दिखाया है। भाई शुरू से लेके लास्ट तक जहां तक मूवी ये खींचती है, 3 घंटे का मूवी है और आपको लगेगा नहीं कि 3 घंटे निकल चुके हैं। भाई अगर शॉर्ट एंड स्वीट में आपको कहानी बताऊं तो एक आदमी होता है जो सऊदी चला जाता है अपना पैसे कमाने के चक्कर में, जो बस 5वीं पढ़ा है, उसको ना इंग्लिश आती है ना अच्छे से कोई और लैंग्वेज आती है, ओनली मलयाली लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है। तो वहाँ जाके वो किसी और कंपनी के नाम पे गया था, लेकिन वो किसी और के साथ में फंस जाता है और वो उन्हें रेगिस्तान में ले जाके बकरियां चराने के लिए रख लेता है, वहां से उसे काम करवाता है और ऐसी जगह छोड़ता है जहां से ना कोई रोड है, ना कोई आदमी चलता है वहां, और ना कोई चिड़ी, ना कोई पत्ता, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वहाँ ओनली सांप मिलते हैं उसको, जहरीला पानी मिलता है वहाँ पे, वहाँ रेत के तूफान आते हैं और वहाँ पे हथियार लिए हुए 2-3 शूटर जो कि उन्हें फंसा के लेके चले गए थे। भाई साहब मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्या देख लिया। ये मूवी गाइज ऑस्कर तक जानी चाहिए, वेल डिजर्व करती है गाइज, ये मूवी ऑस्कर तक जानी चाहिए। और अगर आपने इसको थिएटर में नहीं देखा है तो गाइज आज ही टिकट बुक करें और नज़दीकी सिनेमा घर में जाएं और वहाँ देखें, क्योंकि इस टाइप का सिनेमा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इंडियन में। आज तक ऐसा सर्वाइवल मूवी कभी रिलीज नहीं हुआ है, ये मलयालम की तरफ से इस टाइप का सिनेमा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हैट्स ऑफ है मलयाली सिनेमा को, उन्होंने इस टाइप के मूवीज़ को बनाने के लिए पहल करी है, और पृथ्वीराज सुकुमारन जिन्होंने 16 साल इस मूवी को देखे, मूवी को जीवंत कर दिया भाई साहब, जीवंत। तो इसी बात पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मूवी को जाके जरूर जरूर देखें गाइस, जरूर जरूर। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय।